जो गठबंधन पहले चल रहा था बीजेपी के साथ, उस गठबंधन से हटकर नया गठबंधन बनाने की बात होने लगी, उसको भी हमने स्वीकार किया कि चलिए पार्टी की मजबूरी है तो इस गठबंधन को भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी गठबंधन बनने से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, मुख्यमंत्री जी को हमने कहा था कि गठबंधन जरूर हो, आप अगर चाहते हैं यही रास्ता है तो कीजिए, लेकिन इसका नेतृत्व आप अपने हाथ में रखिए, नीतीश कुमार जी के हाथ में हो। क्योंकि हम जानते थे कि अगर नीतीश कुमार जी के हाथ से नेतृत्व निकल गया तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत फिर से ध्वस्त होने लगेगी। तो मुझसे कहा गया कि हाँ ठीक, ऐसा ही होगा। लेकिन गठबंधन बनने के थोड़े ही दिन के बाद न सिर्फ आरजेडी के लोगों की ओर से गठबंधन के बारे में कोई डील की गई है उसकी चर्चा होने लगी, उसका दावा होने लगा, बल्कि स्वयं नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक रूप से यह कहना शुरू किया कि हम अब आगे बिहार का दायित्व राष्ट्रीय जनता दल के नेता के ऊपर सौंपना चाहते हैं। उन्होंने घोषणा कर दी हर तरह से बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन, सीधे उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के किसी एक व्यक्ति का नाम लिया। जब ऐसी स्थिति आई तभी से लोगों के मन में चिंता की शुरुआत हुई, जिसकी चर्चा हमने की कि पार्टी के साथी आम जनता सब लोगों के मन में यह चिंता आ गई कि आखिर आगे क्या होगा बिहार का। आज हमारी चिंता हिस्सेदारी की नहीं है, पूरी विरासत को बचाने की चिंता है। और पूरी विरासत इसलिए बची हुई थी कि कोई पार्टी, क्योंकि राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में कोई पार्टी होती है, और ऐसी पार्टी शुरुआती दौर में समता पार्टी बनी, बाद में जनता दल यूनाइटेड बना। लेकिन जब पार्टी ही बर्बाद हो रही है तो अब उस इंस्ट्रूमेंट से नहीं काम चलने वाला है, अब नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए, नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए। क्योंकि पूरी विरासत को अब आगे बढ़ाने की जवाबदेही अपने ऊपर लेनी है तो पूरी एक नया, हम लोगों को नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए, अर्थात नई पार्टी चाहिए, नई पार्टी चाहिए। और इसलिए हमारे साथियों ने निर्णय लिया है नया दल बनाने का। हम सब लोग आगे बढ़ेंगे इस नए दल के साथ। इस नया दल का नाम क्या होगा वह भी अभी आपको हम बताएंगे। हमारे साथियों ने इस काम के लिए मुझको अधिकृत किया है। हम तो सब छोड़कर आए थे, हम नहीं जानते थे कि एक दिन ऐसा आवेगा कि इस विरासत को संभालने के लिए फिर से हमको कमान संभालने की जवाबदेही हमारे साथी मेरे ऊपर देंगे। लेकिन वह दिन आ गया तो फिर से नई पार्टी बनाने का काम हमको करना है। और नई पार्टी जो बनाने का निर्णय हमारे साथियों ने लिया है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जवाबदेही भी मेरे ऊपर सौंपी है, उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल, यही नई पार्टी है। राष्ट्रीय लोक जनता दल, यह जनता दल की पूरी विरासत को समेटकर आगे बढ़ने वाली पार्टी होगी। इस दृष्टि से हम सब लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।